हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। पिछले दो दिन से हर किसी के जुबान पर है पानी की किल्लत, हर गली चौराहे पर इसकी चर्चा है, आखिर पानी कब तक आएगा। मैं आप सबको बता दूं, ठाणे महानगर पालिका की तरफ से आह्वान किया गया था 24 घंटे पानी नहीं आएगा। 7 जनवरी 2021 को ऐलान किया था, रात 12 बजे से शुक्रवार तक नहीं आएगा। 24 घंटे का ऐलान के बाद 40 घंटे बीत गए, यानी 40 घंटे काम चला, उसके बाद पानी की सप्लाई शुरू किया गया। लगभग 1 से 1.5 घंटे मुम्बरा कौसा में पानी आया और फिर कल्याण फाटा के आगे खिड़काली के पास शालू होटल के सामने जो है वहां पर फिर पाइपलाइन फट गया, फिर वही हाल हो गया, यानी पाइपलाइन फट गया जिसके चलते लाखों लीटर पानी बह गया और यही वजह कि पानी सप्लाई फिर से स्टॉप करना पड़ा। पानी पुरवठा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सालुंके ने क्या कहा है, पहले आप सुनिए। एमआईडीसी ने 7 जनवरी 2021 को रात को 12 बजे से लेके शुक्रवार, यानी कि 8 जनवरी 2021 शुक्रवार के रात 12 बजे तक 24 घंटे का शटडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उनका काम 40 घंटे चला। 40 घंटे के बाद जब वाटर सप्लाई चालू हुआ तो वो वाटर सप्लाई खाली 1.5 घंटा मुम्बरा के लिए मिला और कल्याण फाटा खिड़काड़ी के पास शालू होटल के सामने फिर उनका पाइपलाइन जो 1800 मिलीमीटर पाइपलाइन है वो पाइपलाइन फट गया। उसकी वजह से एमआरडीसी के पाइपलाइन से जो मुम्बरा को पानी मिलता है वो पूरा पानी स्टॉक हो गया है। आज की डेट में मुम्बरा और दीवा प्रभाग समिति में जो नीरजे टैपिंग, मतलब नीरजे से जो पानी आता है 30 MLD, वो बंद है। पडले से जो पानी आता है 1 MLD, रिवर रोड टैपिंग से पानी आता है और कल्याण फाटा टैपिंग से जो पानी आता है कम से कम 45 MLD, वो सारा पानी वाटर सप्लाई जो है वो अभी बंद है। इसकी अभी ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो पाइप वाटर सप्लाई शटडाउन के बाद जो चालू हुआ है उससे साकेत एक टैंकर पॉइंट है और मुम्बरा का ये ऑफिस है, ये एक टैपिंग पॉइंट है, तो ये दोनों टैंकर पॉइंट से हम टैंकर अवेलेबल करके दिए हैं। ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3 टैंकर हैं, प्राइवेट टैंकर 5 हमने हायर किए हैं, ऐसा टोटल 8 मिला के, और जो भी कुछ टैंकर्स सोसाइटीज़ वगैरह भेज रही है तो उनको हम यहाँ से वाटर सप्लाई अवेलेबल करके दे रहे हैं। कब तक उम्मीद है कि जिन्हें मतलब सही से जो बन जाएगा पाइपलाइन और लोगों तक पानी पहुँचेगा? वाटर एमआईडीसी का काम है तो एमआईडीसी का काम देखने में जा रहा हूँ। बेहतर ये रहेगा, आपको मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप एमआईडीसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एक बार फ़ोन करके बात करिए, क्योंकि उनके काम के और साइट के बारे में उन्होंने ऑथेंटिक न्यूज़ देना बेटर रहेगा। मान लीजिए कि अभी वो टाइम लग सकता है उसमें और यहाँ पर जो टैंकर आप लोगों को घर तक पहुँचा रहे, तो ये मतलब तब तक चलता रहेगा, आपकी तरफ से कितनी हेल्प होगा? हमारी तरफ से डे नाइट टैंकर अवेलेबल है, कल रात से भी टैंकर अवेलेबल है, आज दिन में भी अवेलेबल है और पानी चालू नहीं होता है तो आज रात भी टैंकर अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ये पूरा एमआईडीसी के लाइन के ऊपर निर्भर रहेगा और मेरा अंदाजा है कि आज रात में वो काम किसी हालत में होना चाहिए। मैंने जो एमआईडीसी के ऑफिसर से बात की है तो उन्होंने मुझे बताया था कि डीवाटरिंग उनका चालू है, लाइन का कितना डैमेज हुआ है वो उनको अभी तक उनका अंदाजा लगा नहीं है, इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप एमआईडीसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेंगे या उनके जो डिप्टी इंजीनियर रहेंगे उनके साथ एक बार बात करिए, ठीक है। 40 घंटे बाद सप्लाई शुरू हुआ, फिर सालू होटल के पास फट गया पाइपलाइन जिसका काम जारी है। उम्मीद की जा रही है रात 8 बजे तक ये काम, यानी पाइपलाइन जोड़ने का काम हो जाएगा और फिर मुम्बरा कौसा में, यानी मुम्बरा कौसा दीवा में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। एक नज़र इस पे डालें, पानी की किल्लत किस तरह है लोगों में पानी को लेकर। मुम्बरा में पानी पुरवठा कार्यालय में नगर सेवक, समाज सेवक सुबह से डटे हुए हैं। 3 टैंकर ठाणे महानगर पालिका से
और 5 प्राइवेट टैंकर यानी 8 टैंकर पानी पहुंचाने का काम कर रही है। एक नज़र इस पर भी डालें, टैंकर भी बंद पड़ गई है तो किस तरह से धक्के देकर टैंकर को स्टार्ट किया जा रहा है। और ये भी तस्वीर देखें, हैंडपम्प पर पानी भरने पर मजबूर हैं, जिस हैंडपम्प की याद नहीं आती है आज उस हैंडपम्प से पानी भरने पर मजबूर हैं। यानी एक बार पाइपलाइन का काम हुआ, फिर पानी की सप्लाई शुरू हुई और दोबारा पाइपलाइन फट गया। पानी परोठा पे जमा हुए नगर सेवक शाह आलम आजमी जफर नुमानी, समाज सेवक शाकिर शेख ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। पानी की सप्लाई इंशाल्लाह आज रात में पानी चालू हो जाएगा और हमने इनसे अपील की है कि साहब पानी चालू जब होगा तो आप पर्टिकुलर किसी एक एरिया में जो टाइमिंग है उस एरिया में ना छोड़े, बल्कि पूरे मुमरा कोसा में पानी चालू कर दें और पानी चालू हो जाएगा। और आज सुबह में जो MIDC जो यहाँ से स्टैम का पानी जो रेती बंदर से पानी आता है वो पानी कुछ कुछ एरिए में आया हुआ है, जैसे ये जो हम यहाँ फायर ब्रिगेड पे खड़े हैं यहाँ से हमारे यहाँ ज़्यादातर शादी महल रोड और शरीफा रोड पे वो भी सुबह की पानी की लाइन है, उसको पानी सुबह उन्होंने 4 बजे से 8 बजे तक सुबह पानी दिया है। बाकी पीछे के पार्ट में जैसे आगे का जो एरिया है उस एरिए में पानी नहीं पहुँचा है, लेकिन इंशाल्लाह आज रात में पानी चालू हो जाएगा। साल भाई जुमा के दिन जो है पानी का शटडाउन हुआ था और ये भी जानकारी मिली कि उसका काम भी हुआ था लेकिन दोबारा जो है फिर वो खराब हो गया, उसकी वजह से फिर जो है 2 दिन की और पानी की किल्लत बढ़ गई। सर ऐसा है ना कि जो MIDC ने शटडाउन लिया था जुम्मा के दिन, वो 40 घंटे का इनका शटडाउन था, 40 घंटे के बाद जब ये लाइन चालू किए वापस से चार्ज किए उसके 2 घंटे के बाद में सालू होटल के पास 4 मीटर का पाइप जो था वो फट गया, मेन लाइन का फट गया। और ये बार बार हो रहा है, जब काम होता है जब शटडाउन होता है फिर जैसे चालू करते फिर इनका पाइप ब्रेक हो जा रहा है। 30-40 साल पुरानी लाइन है, जब प्रेशर बढ़ाते हैं जब हमारा प्रेशर की वजह से ये पाइप फटते, क्योंकि अभी हमारे को जो MLD चाहिए थी मुमरा को 48 MLD की पानी की ज़रूरत है, हमको मिल रहा है 38 MLD। अब इस 38 MLD को जब पानी बढ़ाने जाते जैसे प्रेशर बढ़ाते लाइन ब्रेक हो जा रही है, तो इसकी वजह यही है कि जब लाइन नहीं हो जाएगी तो प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगी तो पानी हमको पूरा मिल पाएगा, ना तो इसी तरीके का हाल रहेगा, हर 10-15 दिन के अंदर लाइन ब्रेक होती रहेगी। पानी कौन कौन से इलाकों में नहीं आ रहा है अभी मुमरा कौसा के अलावा? पानी फिलहाल तो अभी कल जो 24 घंटे का शटडाउन था तो पूरे थाना जिले के लिए था, पूरे थाना के लिए था। और अभी जो 2-3 से 24 घंटे का शटडाउन जो हुआ था ब्रेकडाउन जो पानी की MIDC की लाइन टूट जाने की वजह से ब्रेकडाउन होता, उसकी वजह से जो हमारा पैनल पूरा वार्ड जो है मुमरा कौसा शील दीवा सारे जगह पर जो पानी की तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह अभी कुछ जो है कुछ हद तक जो इस नीचे वाले पट्टे में थोड़ा पानी थोड़ा है, ऊपर के पट्टे में थोड़ा पानी की तकलीफ हो रही है, इंशाल्लाह 5 बजे तक जो है काम पूरा होने के बाद वो तकलीफ दूर हो जाएगी।